अगर आप चाव से चिकन खाते हैं तो सावधान हो जाइए। WHO ने वार्न कर दिया है कि ये दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने AMR को 10 सबसे बड़े हेल्थ हैजार्ड्स में एक बताया है। उन्होंने कहा है कि चिकन खाने की वजह से लोग तेजी से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासाइटिक ड्रग्स का असर काफ़ी कम होता जा रहा है। इससे गंभीर बीमारी में इलाज काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौष्टिक चिकन बीमारी का कारण क्यों बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस चिकन में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वो बीमारी का कारण क्यों बन रहा है। दरअसल आजकल आप देखते होंगे कि पोल्ट्री फार्म में चिकन को अच्छा और सेहतमंद बनाने के लिए ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिससे चिकन की बॉडी में अच्छी क्वांटिटी में एंटीबायोटिक जमा हो जाती है और जब ये बिकता है तो इसका असर इसे खाने वालों में होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जब चिकन शरीर में जाता है तब कई एंटीबायोटिक को शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे शरीर में समय के साथ एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस पैदा होने लगती है और एंटीबायोटिक मेडिसिन शरीर पर काम करना बंद कर देती हैं। वहीं डॉक्टर की माने तो AMR यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस चिकन खाने से होता है। इससे शरीर में आने वाले एंटीबायोटिक कुछ समय के बाद एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की सिचुएशन में लाते हैं, जिससे शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। इससे इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है। WHO ने AMR को दुनिया के 10 सबसे बड़ी बीमारियों में से एक माना है। अब सवाल आता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। आपको बता दें कि जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कुछ जर्म्स पर मेडिसिन का असर बंद हो जाए तो उसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस वजह से कई बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि कई बीमारियों के इलाज में डॉक्टर लाचार हो जाते हैं। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पेड़ पौधे तक के लिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस चुनौती बनता जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में 50 लाख लोग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से मारे गए थे, जिसमें से 13 लाख लोग केवल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के शिकार हुए थे। इसलिए अगर आप चिकन खा रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है।